रैली में आए हैं बहन जी के। तो बहन जी का भाषण तो अंदर चल रहा है, तुम तो बाहर हो। हम यहाँ से भी सुन रहे हैं, जहाँ तक ले माइक जाएगा तहाँ तक ले हम सुनेंगे। नहीं, अंदर भीड़ ज्यादा है या कम? हाँ, ज्यादा है, उसमें अब जिया करके भाग रहे हैं आदमी। अच्छा, जगह कम पड़ गई है जी। जगह कम पड़ रही है ना, उसमें गैस मर रहा है। गैस बन रहा है? गैस बन रहा है अंदर। तो बीजेपी वाले और टीवी वाले तो कह रहे हैं बहन जी की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है। बीजेपी वाला फराड है, सोरवाना झूठ बोलते हैं। अच्छा, हाँ, बीजेपी का तो बातें मत करिए। फिर किसकी बात करें? इसलिए नत करिए कि 15 लाख सब बोले थे आ गया सबका खाता में। नहीं दिया वो चुपता। 2 करोड़ साल भर में 2 करोड़ नौकरी मिल गया आदमी को। ये फर्जी है क्या? 370 हटा दी, मंदिर बना दिया। मंदिर से क्या मिलने वाला है? मंदिर से भोजन मिलेगा? भगवान के दर्शन तो मिलेंगे। अरे शिक्षा मिलेगा कि भोजन मिलेगा, क्या मिलेगा? हमें शिक्षा चाहिए, भिक्षा नहीं चाहिए। अच्छा, उसी नंबर भेज दीजिए। हम शिक्षा चाहिए, भिक्षा नहीं चाहिए। मंदिर दलालों की निजी दुकान है, वहाँ जो जाता है वो दिमाग से गुलाम है। अच्छा, भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होता। और अथु से, अरे भगवान से न्याय नहीं मिलता, आप ये कह रहे हो? हाँ, भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होता। सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होता। दुआओं से अगर काम चलता तो विद्यालय नहीं होता। तो ये जो लोग हैं जो सुबह नंगे पैर जाते हैं मंदिरों में कि भगवान जो करेगा होगा, कहीं कुछ नहीं, भगवान मिलने वाला है। भगवान है ही नहीं? भगवान है ये नहीं है, भगवान आप है। अभी कोई मुसीबत पड़ेगा हम उठा लेंगे, हमारा ऊपर पड़ेगा तो आप उठा लेंगे। इंसान से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। आप सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो। अब देखिए, सिस्टम का चैलेंज है ये। भगवान जो है राम को मानते हैं, सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो। इंसान भगवान को मानने वाले लोग हैं, आपके खिलाफ फतवा जारी कर देंगे। इंसान ही भगवान है, जो भक्त का रखवाली करता है वही भगवान है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, आप क्या कहोगे? देखिए सम्मानित साथियों, मैं महेंद्र कुमार गौतम, जनपद जौनपुर, विधानसभा प्रभारी बदलापुर, जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी। यहाँ पर आप अभी बात कर रहे हैं भगवान की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमारी माता पिता का अगर उनके द्वारा अगर जन्म नहीं होता तो हम सबसे हमारे बड़े भगवान हमारे जान लीजिए माता पिता हैं। और रही शिक्षा नीति की बात, हम लोगों के दिमाग पर जान लीजिए कि चोट पहुँचाई जा रही है। ये बीजेपी के लोग फर्जीवाड़ा कर करके लॉकडाउन लगा लगा करके हमारे समाज के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथियों, हम लोगों को मानसिक विकलांग बनाया जा रहा है, दिमाग से विकलांग। रही 15 लाख की बात सर पूछ रहे हैं आप, 15 लाख की बात आप पूछ रहे हैं, 15 लाख से चल करके 5 किलो पर आ गया है, 5 किलो पर आ गया है। हमारे नंगे पैर मजदूर भाई आ गए हैं, यूपी बिहार को वापस आए हैं। ये ऐसी निकम्मी सरकार आज तक हमने देखा नहीं है। और ये जान लीजिए कि साथियों, मैं पुनः आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी हमारे बनारस मंडल के हैं, जनपद जौनपुर से लेकर के सारे बनारस, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़ मंडल के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से मैं अपील करना चाहूंगा कि हमारे एक एक प्रत्याशी के सामने की हाथी की बटन दबा करके सभी प्रत्याशियों का जिताने का काम करेंगे सर। और बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे, लेकिन जीतेगी कैसे बहुजन समाज पार्टी? पिछली बार तो एक भी सीट नहीं आई थी। ये सर सुनिए, अभी आप कह रहे हैं कि जीतेंगे कैसे? ये हमारा बहुजन समाज पार्टी का एक एक वोट जान लीजिए, अब की बार ये चैलेंज करके उतर चुका है और जमीन पे उतर चुका है कि अब की बार सपा और भाजपा की औकात बताने के लिए उतर चुका है और यह जीता कर दिखाएगी आपको। दर्शकों को बताइए कि बनारस में पिछली बार कितनी सीट जीती थी बसपा? देखिए, हम पिछली बार की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, चाहे जो भी जीती हो, लेकिन अब की बार परिवर्तन होने जा रहा है और बीएसपी किंग मेकर ही नहीं, बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बनारस से मोदी जी प्रधानमंत्री जो है वो सांसद है और ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। मोदी जी के गढ़ को भेज पाओगे आप लोग? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी शहर बनारस से आते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बनारस के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी कोई रोजगार का काम बता दे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, एक भी सिंगल कोई काम बता दे। केवल क्या केवल अभी आपने बात किया मंदिर की, बात आस्था की, बात मैं उस पर विरोध नहीं करना। धारा 370, देखिए धारा 370
370 जो केवल एक काम अगर किया है, केवल धारा 370 की आप बात करते हैं और कोई आप जान लीजिए कोई बात अगर पूछ सकते हैं तो उसमें एकदम जीरो साबित हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जीरो साबित हुई है। चलिए कुछ नौजवान साथी भी आ गया हो भैया, आ गया ही आ गई। क्या नाम है? किशन कुमार देवचंदपुर से, गाजीपुर। गाजीपुर से। ये नीला गमछा आपने डाल रखा, भीम आर्मी में काम करते थे जी? जी। तो वहाँ गए नहीं गए गोरखपुर चुनाव लड़ाने चंद्रशेखर को? आए है ना, गए थे। गए थे जी। चंद्रशेखर को भी लड़ा रहे हो, बसपा को भी लड़ा रहे हो जी? नहीं बस, हाँ बसपा को लड़ा रहे हैं। अरे जी हाँ, भले सोच लो, बोलना क्या बोल रहे हैं। ये जो बसपा सरकार है, एक बहुजन समाज है, पूरा समाज को लेकर चलती है, ऐसी सरकार नहीं बनी, नहीं आज तक बनेगी। ये जो सरकार है पूरे समाज को लेकर चलती है, ऐसी सरकार बीजेपी वाले क्या बनाएंगे? अच्छा। कोई नहीं पैदा कर सकता ऐसी सरकार बहुजन समाज जैसी। चंद्रशेखर? चंद्रशेखर तो है अपने भाई, सर अपने भाई हैं जी। अभी तो कौन है वो? अभी नए नए निकल रहे हैं ना। अच्छा, कहाँ निकल रहे हैं? सर चंद्रशेखर बताइए। हम बताएंगे नहीं, थोड़ा सा बोल देंगे। हाँ थोड़ा सा ज्यादा सा बोलो अपना। लल्ला राम चंदौली जिला थाना साहब इलिया। बोलिए क्या बोलना चाहते हो? हम बोलने चाहते ही, हर भैया बाही भैया बाही से हर मोहरा लगा के विजयी बा हथिया के, हथिया के पीछे कदना, हथिया के पीछे कदना पड़ल दूसू मानवा कोई कना चारा चलिया माया होती जिल्ली के भावनावा कोई हथिया तहाईगा हरी बन का सहारवा हथिया पर मोहरा लगा के विजयी बा नाई हा हथिया पर मोहरा। ये बताइए आप जो ये गाना गा रहे हैं ये भोजपुरी में, शायद ये है भोजपुरी भाषा है जो आप गा रहे हैं, ठीक है? है तो इसके माध्यम से हिंदी में बताइए थोड़ा सा, क्या कहना चाह रहे हो आप हिंदी में? हमारा यही अर्ज है कि आप लोग भैया बहनी से सबसे हमारा यही निवेदन है कि आप लोग हाथी के विजयी बनावे मोहर लगा के अच्छी ढंग से, लेकिन कोई का चारा न चले यदि पर प्रतिज्ञा करके चलिए। तो ये बहुत सारे लोग हैं, लोगों में उत्साह है, बहन जी का भाषण जो है वो खत्म हो चुका है, रोजगार भी मिला है। बहन जी का भाषण जो है वो खत्म हो चुका है, ये सरकार में 2.5 लाख रोजगार भी मिला है सब। ये चाचा हैं, नीला गमछा घेर के आए हैं और मूछे सफेद और बाल सफेद। चाचा क्या नाम है? हमारा नाम नंद किशोर, ग्राम गौराहट। अच्छा, सैदपुर विधानसभा से। तो सैदपुर विधानसभा में कौन जीत रहा है? हमारा पार्टी विनोद कुमार जीत रहे। विनोद कुमार जी? डॉक्टर विनोद कुमार? डॉक्टर विनोद कुमार। अच्छा, तो ये जो आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका? गाजीपुर। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। गाजीपुर के लोग बड़े भला उत्साहित हैं, बहुत सारे लोग गाजीपुर के। गाजीपुर में कुछ ऐसी खास बात है वहाँ? गाजीपुर देखिए वीरों की धरती है भाई, देखिए सब लोग बोलेंगे तो ना। बोलिए बोलिए। गाजीपुर वीरों की धरती है। कौन वीर पैदा हुई? वीर अब्दुल हमीद। अच्छा, वीर अब्दुल हमीद जी। और तो इसलिए वहाँ ज्यादा लोगों में उत्साह है। उत्साह है। अच्छा, मिशन मूवमेंट को लेकर के जिसको कहते हैं कि 85% लोगों का मूवमेंट है बहुजन समाज पार्टी, उसको लेकर के लोगों में ज्यादा उत्साह क्यों है? बहुत ज्यादा उत्साह क्यों है, कारण बताइए। देखिए कारण ये है, देखिए राम मंदिर लेकर के ये कॉरिडोर विश्वनाथ का रोए सबसे, रोटी रोजी नहीं चलेगी, 5 किलो राशन हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारे युवा कितने मर रहे हैं लाठी डंडे, इलाहाबाद खाए बेचारे हॉस्टल के, लखनऊ में खाए, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये योगी जी की सरकार हमको नहीं चाहिए, न तो 5 किलो राशन चाहिए। तो फिर किसकी सरकार चाहिए? किसकी सरकार? बीएसपी की सरकार उत्तम है, उत्तम सरकार चाहिए। उत्तम सरकार चाहिए जी। आज जो बहन जी ने भाषण दिया क्या था उसमें? बहन जी ने सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात की, जिसमें सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलने का काम करती हैं और करेंगी।